तो दोस्तों ये आ चुके हमारी दही जलेबी। सुबह नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब सही होंगे। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTL मुरादाबादी पे। मेरा नाम है देव कुमार। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम उठे हैं यहाँ, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं कल शाम से यहाँ। हम जोशीमठ में स्टे कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं जलेबी लेने। थोड़ा जलेबी लेके आते हैं, दही जलेबी वो खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं शायद दर्शन करने जाएं यहीं लोकल में, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है पूरा, वहाँ बादल फट गया है। दोस्तों हम यहाँ जोशीमठ में सुबह सुबह दही जलेबी लेके आए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मिलती है, बाकी खाते हैं क्योंकि यार आज का दिन हमें यहीं बिताना है इसीलिए। तो दोस्तों ये आ चुकी है हमारी दही जलेबी सुबह सुबह मॉर्निंग में, बढ़िया। दोस्तों अब हम फिर को दही जलेबी वगैरह खा के एकदम मंदिर पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और इसी के साथ अब हम चलते हैं मंदिर। और बाकी मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ अपनी खिड़की से, क्या व्यू आ रहा है ये देखिएगा। मोरा नरसिंह भगवान का मंदिर जाएंगे। पता है हमारे रूम के बराबर से ना, हमारे रूम के बराबर से एक झरना वगैरह है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो यार, तो चलिएगा मंदिर चलते हैं। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लग रहा हूँ मैं, ये चेक करो, ये पूरा आउटफिट बताना है कैसा लग रहा हूँ आज 15 अगस्त के। उस पर मैंने ऑरेंज पहना है। बाकी मिलते हैं मंदिर पे सीधे। तो दोस्तों अभी हम रुके थे चाय पीने, ये रहा चाय का वो पी रहे हैं, ये रही मेरी चाय और हम मोहित अपनी चाय लेते हैं। अरे यार एक चाय किसने? अच्छा वर्मा जी आपने नहीं पी है। बाकी यार ये व्यू चेक करो, क्या व्यू है यार, ये रोड भी खाली पड़ी है पता है, क्योंकि ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, जो यहीं है वही लोग हैं और लोकल के आ जा रहे हैं, बाकी बाहर वालों को कोई एंट्री नहीं है। रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, मे बी हो जाए कि आज खुल जाए, बता रहे हैं कि आज शाम तक खुल जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं जैसा भी होता है क्या होता है। भाई देखो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं हम मंदिर, और सबसे कैसा लग रहा है रास्ते पे आके यार, गांव में जाकर हो के लोगों के घरों पे आ जाके निकल रहे मंदिर पहुंचते। चलिए चलते हैं भाई, मंदिर आ चुके हैं ये। बाकी ये नजारा देखो कितना प्यारा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम मंदिर दोबारा से अगले दिन, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो मैं ही ना आया था, इस बार हम पांचों लोग दर्शन करने आए हैं। ये देखिएगा मैं आपको दर्शन करा देता हूँ एक बार फिर से नरसिंह भगवान मंदिर के, और पीछे का नज़ारा आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिएगा इतना प्यारा नज़ारा। बाकी चलिएगा और आपको मंदिर के थोड़े दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम दर्शन करके आ चुके हैं, और दर्शन करके दोबारा से इतना शांति, मतलब मंदिर में जाने के बाद तब प्यारा लगता है ना, इतनी शांति मिलती है, इतनी अच्छा मन हो जाता है एकदम बहुत ही ज़्यादा। और मेरा सामने माँ लक्ष्मी जी का मंदिर, बाकी आप ये चेक करो एक बार, यही वो पेड़ है जहाँ हम पिछले साल भी आए थे। ठीक एक साल पहले हम सितंबर में आए थे, अब अगस्त में आएंगे, ठीक एक साल बाद हम यहीं पर आएंगे। पांचों लोग वही मंदिर वही जगह। बाकी जय बद्री विशाल। और ये मंदिर ये वह है जो शीतकालीन यानी कि ठंड में जब बद्रीनाथ भगवान के वहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे पूजा की जाती है, जो ठंड में पूजा की जाती है वो यहाँ की जाती है। और बाकी जो है यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है जो कि शांत रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो बाकी आप बताना कैसी लगी मेरी नॉलेज आपको। इतना आनंद आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो यहीं पे बैठे हैं, पिछले साल यहीं बैठे थे हम, ये पेड़ है काफ़ी अच्छा, ये मंदिर परिसर है। बहुत देर हो गई हमें यहाँ बैठे हुए, अब हम चलते हैं यहाँ से, कोशिश करते हैं चले जाएँ। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर में, यहाँ पे
मैं ना इसके अंदर से निकल जाऊंगा बिल्कुल। ये इसके तो दोस्तों अभी हम फोटो वोटो खिंचवा रहे थे यहीं पीछे, और ये पीछे आपको मंदिर दिख ही रहा होगा, और पता है मैं कहाँ बैठा हूँ इस टाइम, देखना चाहोगे? ये देखो, देखा आपने ये खाई नीचे कहाँ बैठा हुआ, हवा लग रही है काफी अच्छी, बाकी तो पता ही है क्यों बैठे हैं क्या है, फोटो खींच रहे थे ना यहाँ पे इस वजह से बैठे हैं। यार एक बार नज़ारे चेक करो यहाँ पे, ये और ये लोग बैठे हैं यहाँ पेड़ के नीचे। बाकी जय श्री राम, आगे का ब्लॉग आप देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट तो कर ही दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चल रहे हैं मंदिर के बाहर और कुछ खाते हैं। यार कुछ खाया नहीं है हमने, मतलब सुबह चाय पी थी और दही जलेबी खाई थी, उसके अलावा बाकी अब खाना खाते हैं। दोपहर के बज चुके हैं 2 और मे भी अब कुछ ही देर में शायद खबर आ जाए कि हाँ रास्ता खुल चुका है, नहीं आई तो फिर रुकना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बाकी जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान की जय, जय नरसिंह भगवान। अब यहाँ से चलते हैं, भगवान हमें दोबारा यहाँ बुलाएं। ये देखिए मंदिर, जय श्री राम। तो दोस्तों चल दिए हैं मंदिर परिसर से, फिर प्रसाद कहाँ है ये चढ़ाया था? अच्छा चल दिए मंदिर परिसर से, ये अब कुछ खाते हैं। तो भाई हम चुके हैं इस टाइम खाना खाने, सर खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, देखते हैं खाते हैं या खाते हैं नहीं खाते हैं क्या है। बाकी पूरा खाली पड़ा है, बाकी जय श्री राम, खाना ऑर्डर होगा नहीं हुआ। तो दोस्तों खाना आ चुका है, सर वो खा रहे हैं, हम दो नया खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं इसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों हमने खाना खा लिया है इस टाइम, काफी अच्छा खाना था, दाल आलू मिले, बाकी खाना उम्मीद लग रही है, काश आज मतलब उम्मीद लग रही है कि खुल जाएगा, लोग ऐसा बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं 4 बजे पता चलेगी अपडेट, नेक्स्ट अपडेट। पहली अपडेट सुबह 10 बजे पता लगती है, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे पता लगेगी। बाकी अब चलते हैं अपने रूम पे, काफी दूर चढ़ के जाना है ऊपर, देखो वहाँ जाना है, वो रेड रेड दिख रहा है वहाँ जाना है इस टाइम में, यहाँ पे जय बद्री विशाल। तो भाई एक और सर जा रहे हैं, मोहित ले गया राख पुद्दू, चढ़ने में हालत खराब हो गई। वो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली अपने रूम पे, और बहुत थक गए यार चढ़ के, क्या करें, लेकिन चलो मिलता हूँ मैं थोड़ी बहुत देर में आराम करने के बाद। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं इस टाइम जोशी मठ की मार्केट, क्योंकि आज नहीं खुल रहा है जहाँ तक पता लगा है, उसके बाद यहीं घूमते हैं थोड़ा बहुत टाइम काटते हैं अपना, फिर बाकी मिलते हैं रूम पे या जो सा भी होता है। एक बार यार ये चेक करो यार, हैंगर हम टहल रहे थे, ये बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है, एक नंबर। दोस्तों ये हमने लिए आइसक्रीम रास्ते में अभी चलते हुए, और मैं ना अभी आपको रूम पे चल के एक चीज़ दिखाऊंगा बहुत ही खतरनाक, जब रूम पे जाऊंगा ना तब दिखाऊंगा, तब बताऊंगा आपको। तो दोस्तों हमने ना ये कुछ सामान लिया है फिर से आज, क्योंकि आज फिर बादल फट गया है वहाँ पे, कुछ हो नहीं सकता, फिर सड़क चली गई है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों इस टाइम हम आ चुके हैं रूम पे से मार्केट में से, और मैं बता रहा था ना आपको खतरनाक चीज दिखाऊंगा, आज नहीं खुल पाया था तो कौन वो दिखा, ये देखो इतनी रोड जो है ना जा चुकी है, ये बिल्कुल देख रहे हो ना आप, इतनी रोड चली गई है, अब ये कब तक बनेगी कब खुलेगा, 3 दिन ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं और अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे क्या होगा, हम यहाँ बिल्कुल फंस चुके हैं। बस ये है कि हमें थोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं तो ठीक ठाक जा रहा है, आपको पता है कल नेटवर्क भी नहीं था, आज सुबह आया है 9 बजे तब जाके घर पे कांटेक्ट हो पाया है, उससे पहले नेटवर्क भी नहीं था, किसी का कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, कोई से सिम के नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, नेट वेट कुछ भी नहीं चल पा रहा था, आज कांटेक्ट हो पाया है, होप सब सही हो जाए बहुत जल्दी।
तो दोस्तों इस टाइम खाना आ चुका है, रात के बज चुके हैं 8:30। ये देखिएगा सब, हम खाना वाना खा के अब थोड़ा बातें बातें करेंगे। और हम लूडो लेने गए थे कि टाइम पास कैसे करें, तो लूडो तो मिला नहीं, बोल रहे हैं कल परसों में देखते हैं कहीं से मिल जाता है, अरेंज होता है तो ठीक है, वरना खुलने के चांसेस है नहीं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। BTM ब्लॉग का बाय।